नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। न्यू कलेक्ट्रेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर संजय कुमार को ज्ञापन के माध्यम से मांग की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति राशि सत्र 2020-21 में कटौती की गई। जितनी कटौती की गई उतनी अंतर की राशि जल्द से जल्द छात्र छात्राओं को दिलाई जाए और छात्र छात्राओं को आवास भत्ता योजना के अंतर्गत 12 महीने की राशि जो प्रतिमाह जिला स्तर पर 1250 दे है जल्द से जल्द दिलाई जाए। संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। हम छात्रों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधीश को ज्ञापन देने के लिए आए। हमारी मांगे हैं 5 प्रकार की, जो निम्न प्रकार की हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह छात्रवृत्ति में कटौती की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तो हमारी प्रथम मांग है कि वो छात्रवृत्ति में जो कटौती की गई है वो जल्द से जल्द कटौती वाली राशि डाली जाए। दूसरी वाली हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को आवास भत्ता योजना के अंतर्गत 1250 प्रति महीने के हिसाब से जो आवास भत्ता दिया जाता है उसमें कटौती की गई है। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह घोषणा की गई थी कोरोना काल में कि जो छात्र जहां पर रहकर स्टडी कर रहे हैं वो वहीं पर रहें। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र किराए से कमरा लेकर के जो है शहर में निवास करते हुए स्टडी करते रहे और उनकी राशि में फिर भी कटौती की गई। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि उनकी राशि में जो कटौती की गई है वो जल्द से जल्द डाली जाए। हमारी तीसरी मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र छात्राओं को बुकें मिलती हैं और स्टेशनरी मिलती है, मतलब रफ रजिस्टर, तो वो अभी तक 2021 के सत्र के जो छात्रों को नहीं दिलाए गए। तो हमारी माननीय जो है जिलाधीश से महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द पूरी स्टेशनरी दिलाई जाए और बुकें पूरी प्राप्त कराई जाए। हॉस्टल ही बंद थे तो स्टेशनरी, तो देखिए सर स्टडी बंद नहीं थी, श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने हॉस्टल बंद थे, हॉस्टल बंद थे लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था हॉस्टल की नहीं करें। आवास भत्ता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो छात्र जहाँ निवास कर रहा है वो वहीं रह करके अपनी स्टडी करता रहे। तो हमारे जो स्टूडेंट किराए से आवास लेकर के, मतलब किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे, तो किराए के कमरे की जो 1250 राशि है वो नहीं दी गई। हॉस्टलों में तो 1150 रुपये 1500 से 2000 के बीच में वो फीस पूरी ली गई। अब फीस भी नहीं, एक छात्र को कितनी मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? लगभग एक छात्र को 7175 मिलती थी, अब 4000 के बीच में मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कटौती फर्स्ट ईयर में की गई, आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से तो ये कटौती की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग में हमने एक आवेदन दिया, ज्ञापन इसी प्रकार का दिया था। ये ज्ञापन हमने कॉलेज प्रशासन को भी दिया, वहाँ भी हमने भेजा था, तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जो ज्ञापन हम दे चुके हैं जिला संयोजक ने ये कहा ये शासन का मामला है, तो हमने उनसे कहा कि हम शासन को अवगत कराएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि आप जहां वहां रहकर के स्टडी करें। हम बार बार भी आपसे कह रहे हैं, और किराए का रूम लेकर के हमारे छात्र रहते थे, उसी का तो आवास भत्ता हमें मिलता था। और जो है हमारी, हम विभिन्न जब से लगभग 16 से मांग कर रहे हैं छात्रों की ओर से, हम स्टडी कर रहे हैं पीजी कॉलेज में, कि कॉलेज प्रांगण में जो है हमारी एक मांग है, पांचवी मांग है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र कॉलेज प्रांगण में लगाई जाए। क्योंकि आपने देखा होगा स्टेचू भारत रत्न जो है संविधान निर्माता की, इसीलिए जो कॉलेज में विभिन्न महापुरुषों की स्टेचू लगी रहती हैं, तो उनसे प्रेरणा ये छात्र लें कि बड़े ही गरीब परिवार से और विभिन्न संकटों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज बने हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको ज्ञान का प्रतीक कहा है, तो हम चाहते हैं कि उनकी स्टेचू कॉलेज प्रांगण में होगी दतिया के अंदर। तो हमारे कई होनहार छात्र उनसे प्रेरित होकर के जो है देश विदेश में नाम कमाने की कोशिश करेंगे, हमारी मांग है। 100 सीटर हॉस्टल, 100 छात्र रहते हैं हॉस्टल में, बकाया समथिंग हमारे अनुसूचित जाति की लगभग जो है 6000 के समथिंग पूरे छात्र हैं।